ओके अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक न्यू लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट लगाई थी जिसमें आप सबसे पूछा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग कौन सा अपलोड करूं, जिसमें मैंने तीन ऑप्शन दिए थे, विलेज व्लॉग पार्ट टू, स्टोरी टाइम या बर्गर चैलेंज। तो उसमें जो ज़्यादा फिर आए थे लोगों ने कहा था, वो जो ज़्यादा वोट आए थे उन्होंने विलेज व्लॉग पार्ट टू का कहा था। तो आज फ्राइडे है, आज फिर अहमद भाई भी फ्री थे जो पिछले विलेज व्लॉग में थे मेरे साथ, तो आज फिर वो हैं मेरे साथ। तो इसलिए फिर हम मैंने कहा चले आज आपकी फरमाइश पे हम दोबारा चलते हैं बनाने व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं दोबारा उसी गांव में, कुछ आपको नया दिखाते हैं। तो गाइस, अभी हम सबसे पहले तो आए हुए हैं, अहमद भाई ने अपना चैनल बनाया है तो अभी उनकी शूट पे आए हुए हैं, ये इसी डेरे पे। ये देखें, ये अहमद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जा रहा है आपका शूट? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो अभी इनका शूट वगैरह चल रहा है सारा, हम कर रहे हैं बना रहे हैं। तो अभी और भी इनकी वीडियो बनानी है, फिर हम चलते हैं अपनी जो हमने नए बनानी है जहाँ पे हमने शूट करना है। तो अभी हम वहाँ पर भी चलते हैं, पहले इनका सारा कंप्लीट कर लें फिर वहाँ पर भी चलते हैं। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं, राइस मिल आए हैं सबसे पहले। तो अहमद भाई आपको बताते हैं इधर क्या है। तो गाइस, ये सामने हम जिस फैक्ट्री में आए हैं, ये पहले ये राइस मिल अभी है, पहले ये काटन फैक्ट्री थी जो कि यहाँ पे ज़्यादातर ना कॉटन वगैरह नहीं लगता हमारे इस एरिए में, तो ये कॉटन आता ही नहीं है, तो इसी वजह से फैक्ट्री बंद हो गई है। तो इन्होंने इस फैक्ट्री को फिर राइस मिल में कन्वर्ट कर दिया। वो सामने राइस निकाल बनाए जाते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो गाइस, अभी हम उधर भी चलते हैं, उधर जाके भी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं उधर चल के भी। ये क्या है इधर सामने? तो वो सामने गोदाम है, सारे खाली पड़े हुए हैं अभी। अच्छा। तो ये स्टॉक करते हैं चावलों का, ये इसमें अब पहले कार्टन का होता था, अब ये करते हैं चावलों का, और ये सारे गोदाम हैं सारे इनके। तो गाइस, ये गोदाम है, इसमें चावल स्टॉक किए जाते हैं सारे जी। तो ये दुकानों पे जाते हैं, बनाए जाते हैं, और यहाँ यहाँ से निकल के ये आगे आते हैं। ये पहले मुंजी होती है, तो यहाँ से फिर सफाई करके फिर आगे ये चावलों में कन्वर्ट होते हैं। तो गाइस, यहाँ पे चावल बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे चावल निकाले जाते हैं। ये सारा इनका प्लांट लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है। चावल लगे हुए हैं, ये चावल बन रहे हैं, जो जो ये छोटा है ये इसके अंदर आ रहा है सारा, ये सारा छोटा है ये तो इसके अंदर आता है, ये हो गया। और जो चावल ये चावल कायनात निकल रहा है, ये वाला अलग अलग मशीनें लगी हुई ना, अलग अलग चावल बनते हैं यहाँ पे, कायनात भी बनता है, सुपर बात भी बनता है यहाँ पर। प्लांट हाफ जो है वो उन्होंने क्लोज़ किया हुआ, बंद किया हुआ है, ये पता नहीं किस वजह से किया हुआ, पूछेंगे तो ये हमें बता देंगे, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है इस बारे में। तो ये जब हम पूछेंगे तो बताएंगे। तो गाइस, ये यहाँ पे मुंजी डाली जाती है और यहाँ से सक होके फिर यहाँ पे आगे छानने में आती है, और छानने में आके फिर यहाँ से जो नीचे जा के फिर चावल साफ़ होते हैं, और यहाँ से जब साफ हो गया आगे वाली मशीन में जाते हैं, तो वहाँ से निकलते हैं टूटा और बासमती और सुपर कायनात, यहाँ से जाके फिर चावल आगे कन्वर्ट होते हैं। ये जहाँ पे जो मुंजी होती है ना, वो पहले यहाँ पे लाई जाती है निकाल के फसलों में से, ठीक है। पहले जब फसल काश्त की जाती है तो
यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद ये बड़े बड़े टैंकर लगे हुए हैं, इनके अंदर डाली जाती है और इसके अंदर मेरा ख्याल पानी भी होता है, पानी स्टीम दी जाती है और स्टीम देकर, और ये यहाँ देख सकते हैं स्टीम निकल रही है यहाँ से, और स्टीम के बाद ये जब मुंजी साफ़ करते हैं ना तो फिर वो आगे वाले वो स्टेप पे जाती है जो मैंने अभी पहले आपको दिखाया है। ठीक हो गया, तो आए आपको दिखाते हैं नीचे से चीज़ का, आगे जा रहा है ये क्या है यहाँ पे मुंजी डालते हैं ना, यहाँ से सक होकर ऊपर को जाती है, फिर वो ऊपर छाननों में डल जाती है ना पानी में। तो गाइस ये बड़े बड़े छानने के लगे हुए हैं, इसी चीज भी लगे हुए हैं, ये सारे फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, सारे फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे, तो जितनी से हमें समझ आई है वो हमने आपसे शेयर की है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, ये व्लॉग तो है मेरा, लेकिन आज जो सब कुछ बता रहे हैं अहमद भाई बता रहे हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इनको पता है फिर भी, तो इस वजह से यही बता रहे हैं। ये तो इन भाई की मेरी मेहरबानी है जिन्होंने हमें ये फैक्ट्री विज़िट थोड़ी सी करवा दी है, तो हम इनका तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इन भाई का। ये मेरे भाई हैं वैसे, ये ना ये भी आलू की फसल काश्त कर रहे थे, तो लेबर इनकी भी लगी हुई है माशाल्लाह, ये बिजनेस मैन है माशाल्लाह से, तो इन्होंने स्पेशली अपना लगता है वैसे है तो शुक्रिया इनका, इन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, और उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी जर्नी जो है ना काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो गाइस अभी हम यहाँ से राइस मिल से होके जा रहे हैं, शायद फार्म वगैरह जाएँ या ना जाएँ वो अभी कोई पक्का नहीं है, तो वो हमारी उधर गाड़ी खड़ी है, अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं घर जाते हैं यहाँ से सीधा या फिर फार्म वगैरह जाते हैं, तो अभी इधर ये हमने सर आपको इधर से बता दिया है, तो अभी उधर चलते हैं जहाँ फिर भी जाना है तो वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। गाइस अभी हम घर आ गए हैं, तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।